हाय गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए हैं बेंगलोर डिवीज़न के तुमकुरु स्टेशन में। आज दूसरा दिन है और आज फिर से यही ग्रास कटिंग का काम मिला हुआ है। देखो, एक दो तीन बंदे उधर हैं और वो उधर ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के वो लीडर उधर है। दिखाता हूँ, एक मिनट। वो देखिए, ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के वो लीडर है, उसके अंडर में तीन भाई इधर हैं और तीन भाई इधर हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। ये अपना भाई राजस्थान से है और आज दूसरा दिन है। वो भाई अपना बिहार से है। तो हम लोग तुमकुरु डिवीज़न में हैं, बेंगलोर डिवीज़न के अंदर तुमकुरु स्टेशन पड़ता है, 60 किलोमीटर लमसम दूर है। बस यही काम रहता है। और बाकी रही बात मौसम की, तो मौसम तो ठीक ठाक है यहाँ बेंगलोर में। उधर अपने नॉर्थ के तरीके ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 32-35 डिग्री टेम्परेचर है। तो काम तो करने के लिए ठीक है, बट हाँ, ग्रुप डी में अगर ट्रैक मैन है तो यही ग्रास कटिंग का या ऐसा यही सारा काम मिलता है। और ये भाई अपना राजस्थान से। और भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। कैसे काम चल रहा है? जोरदार चल रहा है भाई, जोरदार। तो अभी आज दूसरे दिन क्या आप काम कर रहे हैं? देख ही रहे हो। हाँ, तो ये देखो, ये भाई अपना राजस्थान से है। बाकी यहाँ लीडर थोड़ा, लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्नड़ ही आती है। तो हम लोग, ये भाई मिल गए हैं राजस्थान से, ये बिहार से, तो थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा आपस में आसानी होती है। अभी तो ट्रेनिंग हुई नहीं है, तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक ऐसे ही गैंग में ही भेज रहा है ग्रास कटिंग के लिए या और थोड़ा मोड़ा काम। अभी 7 बजे रिपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद काम शुरू होता है। 12 बजे फिर लंच होता है, उसके बाद 12 से 2, फिर 2 बजे से फिर से काम शुरू होता है। तो यही काम है। और ये अपना हथियार है, हथियार दिखा दो भाई, इसी से ग्रास कटिंग करनी होती है। ये देखो, ये भाई का हथियार, ये मेरा, इसी से हम लोग करते हैं। और भाई धनंजय, कैसा चल रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया। ओ देखो, जय महेशमती भाई बोल रहा है, सब मस्त है। इधर ये अपना रोहित भाई, ये भाई यहीं का है, अपना कर्नाटका का ही ये भाई, लेकिन हिंदी समझता है। तो ये भाई हेल्प करता है हम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि अगर लीडर नहीं समझता है कुछ भी, तो अपना भाई जो है हेल्प करता है, उधर से बातें समझ के इधर समझाता है। और रोहित भाई कैसा है वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाई भी अपना ट्रैक मैन में ही है, तो इसका घर यहीं है पास में ही, तुमकुरु के पास ही। तो इसी के हेल्प से हम लोग वर्क भी समझ लेते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा खाने पीने का नॉर्थ के लिए दिक्कत है, क्योंकि इधर रोटी वोटी मिलना, अगर आप बाहर चले जाते हो थोड़ा आउट, तो रोटी नहीं मिल पा रही है। वहाँ यशवंतपुर में तो मिल जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा दिक्कत है। तो अगर एक बार आप सेटल हो जाओगे, रूम वगैरह ले लोगे, तो उसके बाद आप अपना खुद का खाना वगैरह बना सकते हो। हम लोग वहाँ उस सिग्नल से शुरू किया हम लोगों ने और कर रहे हैं। और ये भाई देखो, कुछ बैठ के आराम कर रहे हैं, तो कोई वैसा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है मेंटली कि नहीं बिल्कुल लगे रहो, लेकिन हाँ, जो ग्रुप डी में जो काम होता है वही काम करना है। तो थैंक यू भाई लोग, आप लोग ये वीडियो देखिएगा कैसे काम होता है साउथ वेस्टर्न रेलवे में। और ये भाई बोल रहा है कि लाइक सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकॉन। और ये भाई मस्त आदमी है अपना, इधर कर्नाटका से। तो थैंक यू ऑल द गाइज़।